No one has a perfect physique by default. It takes hard work, patience, and a lot of determination to get into the best shape of your life. But it is not just about the hard work that you are doing. It's about the direction too. Agar hard work ko sahi direction mein channelize kiya jaye, tabhi maximum output milega aur best results milenge. Aaj is video mein main 10 aise practical tips share karunga jo aapki progress mein bahut zyada helpful honge. So make sure ki aap ye video लास्ट तक जरूर देखें। इस चैनल पर मेरा गोल हमेशा यही रहता है कि जो भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मेरे साथ-साथ उन लोगों का फिजिक भी इंप्रूव होना चाहिए। तो अगर आपको भी इस जर्नी में साथ जुड़ना है, देन हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि हम लोग साथ में ग्रो कर सके। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ। टिप नंबर 10 इज ऑलवेज हैव अ स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट प्लान। नेवर बी दैट गाय जो जिम पहुंचने के बाद डिसाइड करता है कि आज क्या ट्रेन करना है और कौन सी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है। आपके पास हमेशा एक रिटर्न वर्कआउट प्लान होना चाहिए ताकि आपको जिम जाने से पहले पता रहे कि कितनी एक्सरसाइजेस, कितने सेट्स और कितने रेपिटेशन मुझे आज परफॉर्म करने हैं। ऐसा करने से आपके पास पहले से ही एक प्लान लेड आउट होगा और ये चीज आपको फोकस करने में भी ज्यादा हेल्प करेगी और आपको डीरेल होने से भी बचाएगी। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपका वर्कआउट प्लान किसी प्रोफेशनल कोच ने ही डिजाइन किया हो। जो भी आप वर्कआउट्स परफॉर्म करते हैं, आप अपना वर्कआउट खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। आई एम जस्ट कि जो भी एक्सरसाइजेस आपको जिम में परफॉर्म करनी है, आपको पहले से पता होना चाहिए। टिप नंबर 9 इज माइंड मसल कनेक्शन इज अ गेम चेंजर। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मूविंग द वेट्स, इट्स अबाउट मेकिंग श्योर दैट यू फील द राइट मसल्स इन द प्रोसेस, स्पेशली इन आइसोलेशन मूवमेंट्स। जिस भी मसल ग्रुप को आप ट्रेन कर रहे हो, मेक श्योर कि आपका माइंड उस मसल ग्रुप से कनेक्टेड है, आप उसको प्रॉपर्ली फील कर पा रहे हो और ये चीज आपकी मसल्स को जल्दी ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, माइंड मसल कनेक्शन एक ऐसी चीज है जिसको बिल्ड करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। आपको महीनों लग सकते हैं किसी मसल को माइंड से कनेक्ट करने में। सो थोड़ा स्लो प्रोसेस है, एक सेशन या दो सेशन में ये चीज नहीं होने वाली है। सो डेफिनेटली मेक श्योर कि आप इस चीज को टाइम जरूर दें। टिप नंबर 8 इज लिमिट योर इनटेक ऑफ जंक फूड्स। आई एम सेइंग लिमिट योर इनटेक, पूरी तरह से इनटेक को खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिर्फ जो जंक फूड की इनटेक है उसको मिनिमाइज करने की जरूरत होगी। यू कैन डेफिनेटली ईट योर फेवरेट फूड्स, बट कोशिश करो उसकी इनटेक कम से कम रहे और फ्रीक्वेंसी भी कम से कम रहे। अगर आप पूरी तरह से अपने फेवरेट फूड्स को खाना छोड़ दोगे, देन ये चीज उतनी ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होगी और आपको कंटिन्यू करना मुश्किल होगा। बेटर चीज ये रहेगी कि अगर आप अपनी जो इनटेक है उसको धीरे धीरे कम करें और जितना मिनिमम आप रख सकते हैं उतना आपके लिए बेटर होगा। इस चीज का फायदा ये है कि अगर आप हफ्ते में एक या दो बार कोई चीट मील ले भी रहे हो तो उससे आपकी डाइट इतनी ज्यादा अफेक्ट नहीं होगी, बट आपकी क्रेविंग्स भी कंट्रोल में रहेंगी। सो हर चीज मॉडरेशन में चलेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। नाउ टिप नंबर 7 इज यूज मोर कंपाउंड मूवमेंट्स। इस चैनल पर ऑलरेडी मैंने बहुत बार कंपाउंड लिफ्ट्स की इंपॉर्टेंस को समझाया है। दे आर द बेस्ट इफ यू वांट टू बिल्ड गुड मसल मास। सो आई विल जस्ट से दिस कि अपने प्लान में जितनी ज्यादा कंपाउंड मूवमेंट्स आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, डेफिनेटली करो। टिप नंबर 6 इज शॉक योर बॉडी रेगुलरली। ह्यूमन बॉडी इज अ स्मार्ट मशीन। आप जिस भी तरह का रेजिस्टेंस अपनी बॉडी को प्रोवाइड करोगे, कुछ टाइम के बाद बॉडी उस चीज के यूज्ड टू हो जाती है। और हमारा गोल यहां पर यही रहेगा कि हम किसी भी एक तरह के पैटर्न से बॉडी को यूज टू ना होने दें। बॉडी को रेगुलरली शॉक करते रहना बहुत जरूरी है। आप अपना वर्कआउट स्प्लिट चेंज कर सकते हो, ट्रेनिंग स्टाइल चेंज कर सकते हो, जो वेट्स आप लिफ्ट कर रहे हो वो चेंज कर सकते हो, आप जितना रेस्ट ले रहे हो सेट्स के बीच में आप वो चेंज कर सकते हो। ये सारे फैक्टर्स को चेंज करके हम अपनी बॉडी को शॉक कर सकते हैं। इसलिए मैं यहां पर यह भी सजेस्ट करूंगा कि आप एक वर्कआउट प्लान को मैक्सिमम 4 से 6 हफ्ते तक फॉलो करो एंड उसके बाद अपने वर्कआउट प्लान में थोड़े बहुत चेंजेस जरूर इंट्रोड्यूस करो। विच ब्रिंग्स मी टू टिप नंबर 5, दैट इज यूज ड्रॉप सेट्स एंड सुपर सेट्स। सो अभी लास्ट पॉइंट में हमने बात की बॉडी को शॉक करने की, और उसके लिए ड्रॉप सेट्स और सुपर सेट्स दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छी टेक्निक्स हैं। दोनों ही टेक्निक से आप अपनी मसल को ओवरलोड कर सकते हो। तो आपके वर्कआउट प्लान में ड्रॉप सेट और सुपर सेट्स दोनों अगर होंगे तो डेफिनेटली आप अपनी बॉडी को शॉक कर सकते हो। ड्रॉप सेट और सुपर सेट्स क्या होते हैं, किस तरह से उनको परफॉर्म करना है, इफ यू गाइज वॉन्ट तो मैं इन दोनों के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप इसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हो। तो टिप नंबर 4 इज
स्टे हाइड्रेटेड। देसी जिम्स में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको सजेस्ट करेंगे कि वर्कआउट करते हुए पानी नहीं पीना चाहिए, बट आई विल से कि ऐसे लोगों से आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो, बिकॉज हाइड्रेशन इज रियली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग योर वर्कआउट्स। आई विल सजेस्ट कि एक बार में बहुत सारा पानी नहीं पीना चाहिए, आप सिप बाय सिप पानी पी सकते हो, बट ऑन एन एवरेज अगर मैं अपने वर्कआउट की बात करूं तो एक घंटे का अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूं तो उसमें मैं 1 लीटर के आसपास पानी पी लेता हूं, एंड इट इज कंप्लीटली नॉर्मल एंड रिक्वायर्ड। टिप नंबर 3 इज नो फैट्स इमीडिएटली आफ्टर योर वर्कआउट। तो वर्कआउट जैसे ही हम लोग फिनिश करते हैं, हमारा गोल होता है कि जो भी हम न्यूट्रिएंट की इंटेक करें वो जल्दी से जल्दी हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो पाए और मसल टिश्यूज तक पहुंच पाए। लेकिन अगर हम वर्कआउट के जस्ट बाद फैट्स की इंटेक करते हैं तो ये उस चीज को स्लो डाउन कर सकता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसका जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है उस चीज को फैट की इंटेक जो है वो स्लो डाउन कर सकती है। तो वर्कआउट के जस्ट बाद फैट्स को अवॉइड करना है, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सिंपल कार्ब्स और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन ले सकते हो अपने वर्कआउट्स के जस्ट बाद। नाउ टिप नंबर 2 इज फॉर्म ओवर वेट्स। वर्कआउट करते वक्त द टेक्निक ऑफ लिफ्टिंग द वेट्स इज एवरीथिंग। लिफ्टिंग वेट्स दैट यू कांट हैंडल जस्ट टू सेटिस्फाई योर ईगो इज सिंपली स्टूपिड। हम लोग वर्कआउट करते हैं ताकि हमारी मसल्स ग्रो कर सके, और मसल्स तभी ग्रो करेंगी जब उनके ऊपर रेजिस्टेंस पड़ेगा, और मसल्स के ऊपर अगर आप प्रॉपर रेजिस्टेंस डालना चाहते हो तो आपको प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है, टेक्निक आपकी ठीक नहीं है, चलो एक बार मान लिया कि आपको रिजल्ट्स की चिंता नहीं है, लेकिन दूसरे हाथ पर ये आपके लिए इंजरी कंसर्न्स भी बढ़ा सकता है। तो दोनों ही चीजों में इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। रिमेंबर, आप लोग जिम जाते हैं एक अच्छा फिजिक बनाने के लिए, नॉट टू प्लीज अदर पीपल। सो मेक श्योर जो आपका गोल है आप उस पर ध्यान दें। सो टिप नंबर 1 एंड आई फील लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप दैट आई कैन गिव यू टुडे इज टू जस्ट रिलैक्स। समटाइम्स यू जस्ट नीड टू रिलैक्स। एक परफेक्ट फिजिक अचीव करने का जो प्रोसेस है वो काफी स्लो होता है। ये प्रोसेस आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, टायरिंग लग सकता है और फ्रस्ट्रेटिंग भी लग सकता है। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक क्लियर माइंडसेट रखें, अपने ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना डालें एंड पेशेंट रहें। दिस शिट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो जस्ट रिलैक्स, एंजॉय द प्रोसेस एंड वरी लेस अबाउट द रिजल्ट्स। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड जय हिंद।